हे गाइस, आई एम अराफात एंड वेलकम टू वेब टेक। तो गाइस, राइट नाउ मैं फ़िलहाल हूँ राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैदराबाद पर। फिलहाल मैं ट्रैवलिंग कर रहा हूँ टू माई होम कोलकाता। बेसिकली मैं ब्लॉग तो इस चैनल पे डालता नहीं हूँ, जैसे कि आप सभी जानते हैं, मगर क्या है कि मैं ऑलरेडी 2-3 वीडियो या एयरलाइंस रिलेटेड डाल चुका हूँ। दैट्स व्हाई आज मैं क्या सोचा, आफ्टर लॉकडाउन क्या क्या चेंजेस हुआ यहाँ पर एयरपोर्ट में, मैं आपको वो सारे कुछ बताने की कोशिश करूँगा ड्यूरिंग ट्रैवल। तो मेक श्योर आप इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिए, काफ़ी कुछ आपको जानने को मिलेगा। और यहाँ पर बेसिक सा चीज़ मैं आपको बता दूँ, सबसे पहले ट्रैवलिंग से पहले आपको आरोग्य सेतु जो ऐप है गवर्नमेंट इंडिया के द्वारा, वो आपको इंस्टॉल कर लेना है बिफोर ट्रैवलिंग। तो उसके लिए आप आई बटन में वीडियो देख सकते हैं कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं। और दोस्तों, यहाँ पर आपको बोर्डिंग पास खुद से प्रिंट आउट करके लेके आना है। आगे क्या प्रोसीजर रहता है मैं आपको वीडियो में बताने वाला हूँ, तो चलिए देखते हैं क्या कुछ होता है। एकदम मेन एंट्रेंस पे आपको आपका टेम्परेचर मापा गया थर्मोमीटर से, आपका इंफ्रारेड से। टेम्परेचर ओके है तो ही आपको अंदर आने के लिए इजाज़त देता है। आपको बोर्डिंग पास ऐसे निकाल के लेके आना है साथ के आपके साथ, और मेक श्योर आप ई बोर्डिंग पास भी अपने साथ कैरी कीजिए। तो यहाँ पर एंट्री तो हो चुका है, यहाँ पर उन्होंने पूरा कैमरा सेटअप लगा के रखा है अपना। वहाँ पर अपना आईडी और जो बोर्डिंग पास है वो दिखाना पड़ रहा है दूर से, मतलब कैमरे के अंदर उन्होंने देख के आपको अंदर जाने की इजाज़त दे रहा है। तो फिलहाल मैं जा रहा हूँ अपना बैग ड्रॉपेज करने के लिए, देखते हैं उसके लिए क्या प्रोसीजर किया गया है। दोस्तों, यहाँ पर जो आपको साइड में मशीन्स दिख रहे हैं, ये है सेल्फ चेक इन मशीन। इनकेस अगर आप वेब चेक इन नहीं कर पाए तो यहाँ पर आके आप खुद से अपना बोर्डिंग पास प्रिंट कर सकते हैं। अगर आप जानना चाहते हैं कैसे सेल्फ चेक इन करते हैं, उसके लिए आपको लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप देख सकते हैं कैसे सेल्फ चेक इन करते हैं। और यहाँ पर एयर एशिया के काउंटर पे उनका स्टाफ था, मैं यहाँ पर अपना बैगेज ड्रॉप कर दिया। और फिलहाल मैं जा रहा हूँ सिक्योरिटी चेक की तरफ। मैं सिक्योरिटी चेक क्लियरेंस करने के बाद आपसे डिटेल में बात करता हूँ। दोस्तों, अगर हम चेंजेस की बात करें तो यहाँ पर चेंजेस कुछ खास नहीं हुआ, खाली इतना ही हुआ अगर आपके पास बोर्डिंग पास है, कुछ भी पेपर है, आपके कुछ भी डॉक्यूमेंट्स पर कोई भी मतलब टच नहीं करेगा, दूर से ही मतलब सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करके पूरा प्रोसीड्यूर फॉलो किया जाएगा। इनकेस अगर आप ई बोर्डिंग पास लेके आते हैं मोबाइल में, उससे भी काम चल जाएगा। यही नहीं है कि आपको प्रिंट आउट करके ही लेके आना, ऐसा कोई मैंडेटरी नहीं है जो मुझे लगा। और यहाँ पर दोस्तों बोला गया था अगर आपका बैगेज ड्रॉप में कोई भी आदमी नहीं रहेगा, बट यहाँ पर बैगेज ड्रॉप में पूरा उसका स्टाफ था कुछ, वहाँ से उन्होंने बैग टैग निकाल के बैग में पेस्ट कर दिया और बैग ड्रॉपेज भी हो गया। इनके लिए आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, बैग आपको कहाँ डालना है, कहाँ से टैग प्रिंट आउट करना है, ये सारे कुछ करने की मतलब ज़रूरत नहीं रही। तो जैसे आप प्रीवियसली ट्रैवलिंग करते थे वैसे ही आप आराम से कर सकते हैं। सिक्योरिटी चेक की बात करें तो यहाँ पर भी आपका जो बोर्डिंग पास है वहाँ पे टच नहीं करा कोई भी, तो आपको खुद से स्कैन करना पड़ा आपका जो बोर्डिंग पास है। मतलब इतना कोई इशू नहीं है कि अगर आप लॉकडाउन 5.0 या फिर अनलॉक 1.0 अगर आप कह लीजिए ट्रैवलिंग करना मुश्किल है, वैसा कुछ भी नहीं है, आप आराम से ट्रैवलिंग कर सकते हो। तो फिलहाल मेरा सिक्योरिटी चेक भी हो गया। मैं बहुत पहले ही आ गया था क्योंकि मैं सोचा था यहाँ पर जो है कोविड-19 के लिए थोड़ा चेकिंग वगैरह होगा, उतना भी कुछ भी चेकिंग का मसला नहीं है। इंट्रेंस पे आपका टेम्परेचर मापा गया, वहाँ पर नॉर्मल है तो आपको एंट्री आराम से दिया गया। तो अब मैं वेट कर रहा हूँ यहाँ पर वेटिंग एरिया में, और यहाँ पर भी कुछ मेजरमेंट किया गया है, जैसे कि आप देख सकते हैं एक सीट छोड़ के एक सीट में बैठने के लिए। तो मेरा तो पहली बार एयर एशिया में ट्रैवलिंग कर रहा हूँ, इससे पहले मैं इंडिगो में, और इंडिगो की बात करा देखिए कि इंडिगो का फ्लाइट जा रहा है यहाँ से। तो मैं इंडिगो में बहुत बार ट्रैवलिंग कर चुका हूँ, मैं एयर इंडिया में भी ट्रैवलिंग कर चुका हूँ, या स्पाइसजेट में भी कर चुका हूँ। इनकेस अगर आप सेल्फ चेक इन करना चाहते हैं तो यहाँ पर आके भी कर सकते हैं, उसके लिए यहाँ पर आई बटन पे वीडियो देख सकते हैं, मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ सेल्फ चेक इन कैसे करते हैं। और अगर आप वेब चेक इन कैसे करते हैं नहीं जानते तो उसके लिए भी वीडियो बना चुका हूँ, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से जाके देख सकते हो। और गाइज़, अगर आप मेरा वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को जरूर से लाइक कीजिए। देखते हैं आगे क्या होता है या कब के अंदर, मैं थोड़ा बहुत वीडियो करने की कोशिश करूँगा। और दोस्तों, अगर आप जानना चाहते हैं फुल ट्रिप हैदराबाद टू कोलकाता के बारे में, कैसे क्या करना है नहीं करना, उसके लिए मैं एक डेडिकेटेड वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूँ, उसका भी लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वहाँ से जाकर आराम से फुल वीडियो और राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट का ओवरव्यू देख सकते हैं। आप देख सकते हैं ये यहाँ पर सेल्फ डिक्लेरेशन एक फॉर्म दिया है एयर एशिया की तरफ से, ये वहाँ पर अराइवल होने के बाद वहाँ पर सबमिट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर कुछ डिटेल्स दिया गया, ये आपको फिलअप करके सबमिट करना पड़ेगा। जैसे कि देख सकते हैं ये फेस शीट और ये जो एक मास्क है और ये सैनिटाइज़र एयर एशिया की तरफ से दिया गया है, सभी पैसेंजर्स को दे रहा है। तो ये काफ़ी सेफ्टी मेजरमेंट ज़रूरी भी है। तो अब बोर्डिंग टाइम हो चुका है यहाँ पर, और तो कुछ टेस्टिंग नहीं है, बस एक डिक्लेरेशन फॉर्म दिया और फिलअप करके अराइविंग एयरपोर्ट पे सबमिट करना है। देखते आगे क्या होता है, वहाँ पे पहुँचने के बाद क्या होता है, मैं आपको अपडेट देता हूँ। We just landed at कोलकाता एयरपोर्ट। और दोस्तों आपको एक बात बताना चाहूँगा, अगर आपको कुछ खाना है तो आपको एयरपोर्ट में ही खा लेना है या फिर अपने घर से खा के आना है, क्योंकि एयरक्राफ्ट में ऑनबोर्डिंग में आपको कोई भी फूड सर्व नहीं किया जाएगा, तो ये बात आप ध्यान रखिएगा। ये वाइट कलर का ड्रेस है, ये एयरक्राफ्ट के अंदर जो केबिन क्रू है उन्होंने दिया था पहनने के लिए, तो और यहाँ पर वो डॉक्यूमेंट सबमिट करना है, और ये ड्रेस भी यहाँ पर शायद वापस करना पड़ेगा, मतलब ये लोग इसको डिस्पोज कर देंगे। तो कुछ अभी यहाँ पर चेकिंग होगा कि नहीं पता नहीं, आगे मैं आपको बताता हूँ क्या कुछ यहाँ पर हो रहा है। तो गाइस अगर आप इस वीडियो को अभी तक लाइक ना किया जल्दी से लाइक कर दीजिए, क्योंकि अच्छा लगता है यार। तो दोस्तों फ़िलहाल मैं आ गया हूँ कोलकाता पर, और यहाँ पर आते आते मेरे एक सब्सक्राइबर से मुलाकात हो गए। तो ये भाई बोलता है मेरा वीडियोज़ देखता है। तुम्हारा नाम क्या है? कहाँ से हो आप? मैं घाटल से हूँ। घाटल कोलकाता से ही बेसिकली। अभी हैदराबाद में रहते हो ना? हाँ मैं हैदराबाद शमशाबाद में रहता हूँ। अच्छा, तो वहाँ पे आप कुछ जॉब करते हो? हाँ मैं कंपनी में जॉब करता हूँ। अच्छा, तो आप मेरा वीडियो देखे इससे पहले? हाँ आपका वीडियो देखा हूँ, बहुत अच्छा लगा। आपको मुलाकात होके मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है। आपका वीडियो भी ज़बरदस्त है भाई, सबको सब देखो प्लीज़, भाई को लाइक करो और सपोर्ट करो। फिर मिलेंगे, आप हैदराबाद में है तो फिर मिलेंगे बार बार। बाय बाय कर दीजिए। गाइस फाइनली कोलकाता एयरपोर्ट से बाहर आ चुका हूँ। ये देख सकते हैं जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस एयरपोर्ट है, बाहर में आ गया। तो यहाँ पर कुछ भी चेकिंग नहीं हुआ, सिंपली जैसे आप नॉर्मल डेज में ट्रैवलिंग करते हैं सेम वैसे ही आप आराम से आ जाएंगे। यहाँ पर कोई भी दिक्कत नहीं है। मैं भी थोड़ा बहुत डरा हुआ था क्या होगा, कोविड-19 के केस में कुछ चेकिंग हो गया, फिर क्वारंटीन होगा। यहाँ पर कुछ भी नहीं हुआ, बस आपको ट्रैवलिंग के बाद घर में शायद 15 दिन के लिए होम क्वारंटीन हो सकता है। तो मैं भी 15 दिन के लिए घर के रहूँगा। अगर आप भी ट्रैवलिंग कर रहे हैं किसी और सिटी से, तो मेक श्योर आप भी ट्रैवलिंग करने के बाद क्वारंटीन कर लीजिए अपने आप को 15 डेज़ के लिए। इससे आपको भी अच्छा है, आपका फैमिली को भी अच्छा है, आपका नाइबर्स को भी अच्छा है। तो गाइज़ ये था आज की इस वीडियो में। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए, और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल पर बने रहिए। मिलते एक नया वीडियो से, टिल देन बाय।